करते रहिए UVN0@ प्यारा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। अमित शर्मा ने महाविद्यालय का विकास कार्य एवं आधुनिक स्तर पर शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय राजगढ़ रोड प्यावरा लगातार आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, जिसका श्रेय जन भागीदारी समिति अध्यक्ष एवं युवा भाजपा नेता अमित शर्मा को दिया जा रहा है। इसके सहयोग से कॉलेज को सेमिनार हॉल के लिए 50,86,000 रुपये एवं अतिरिक्त कक्ष के लिए 61,00,000, बाउंड्री वॉल के लिए 95,00,000, CCTV कैमरे लगाए गए। साथ ही भव्य पार्क के लिए प्रयासरत है, छात्र छात्राओं की समस्याओं का निराकरण तुरंत कराते हैं अमित शर्मा। जैन साहब, अपने जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष जब से अमित जी शर्मा बने हैं, तब से अभी तक कौन कौन से कार्य इनके माध्यम से हो पाए अपने यहाँ? जन भागीदारी समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष ने 4 सितंबर को कार्यभार ग्रहण किया। उसके बाद 8 अक्टूबर को हमने जन भागीदारी की बैठक आयोजित की। उस बैठक में कई महाविद्यालय के विकास के प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें मुख्य रहा है कि वाटर कूलर है, दूसरा सरस्वती मंच पर झंडा वंदन वाले स्थान पर पेवर्स लगवाए गए हैं, महाविद्यालय का प्लास्टर करवाया गया, रिनोवेशन अब पुताई का काम चल रहा है, कैमरे लगवाए गए हैं, पुस्तकालय में फर्शीकरण होना है, ऑफिस में फर्शीकरण होना है, मुक्ताकाश मंच को पुनः दुरुस्त करा के पुरानी स्थिति में लाना है। नवीन योजनाएँ हमारी जो है वो है, एक तो अतिरिक्त अध्यापन कक्षों का निर्माण करना है और गार्डन का विकास करना है, बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है जो कि शासन से 1 करोड़ के लगभग रुपया प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से अभी माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से बाउंड्री वॉल भी माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से ही प्राप्त हुई हमको, उससे हमें 50,00,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, जिससे सेमिनार हॉल बनेगा, 2 अत्यधिक अध्यापन कक्ष बनेंगे। तो निश्चित अमित जी, जब से आप ब्यावरा महाविद्यालय के जन भागीदारी के समिति के सदस्य बने, अध्यक्ष बने, तब से अभी तक कौन कौन से काम हुए अपने महाविद्यालय में? जन भागीदारी की मैंने 4 सितंबर को शपथ ली थी। उसके बाद सबसे पहली प्राथमिकता महाविद्यालय में पीने के पानी की थी, क्योंकि गंदा पानी छात्र छात्राओं को मिलता था। सबसे पहले हमने RO प्लस वाटर प्यूरीफायर लगा करके महाविद्यालय की सबसे बड़ी समस्याओं का निदान किया। कितनी लागत इसकी? लगभग 50,000 रुपये की लागत से हमने वहाँ पर दोनों सिस्टम लगाए हैं। तो महाविद्यालय के विद्यार्थी स्वच्छ और साफ पानी पी रहे हैं। महाविद्यालय जीर्ण शीर्ण था, जिसकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो प्लास्टर का कार्य हमने लगभग 9,00,000 रुपये की लागत से महाविद्यालय में पूरे में प्लास्टर करवा दिया है, जिसकी रंगाई पुताई का निविदा जारी हो चुकी है। लगभग 16,00,000 की निविदा उसकी जारी है, जिससे महाविद्यालय जल्द ही रंगाई पुताई के साथ कंप्लीट होगा और बेहतरीन पेंट के साथ, टेक्सचर पेंट के साथ वो कंप्लीट होगा। सर, अभी अमित जी, अभी ये सेमिनार हल्का मालूम पड़ा है हमें, तो क्या है ये? माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से बार बार विधानसभा में ध्यान आकर्षण के माध्यम से, विधायक जी के अथक प्रयासों से 50,86,000 की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है, जिससे एक सेमिनार हॉल और अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हम करा सकेंगे। शासन द्वारा 50,86,000 की राशि दी गई, जिसकी निविदा जारी होने वाली है।
और 61 लाख रुपए की राशि जन भागीदारी के माध्यम से हम वहाँ ऊपर भवन पर कक्षों का निर्माण करने जा रहे हैं, जिससे महाविद्यालय की सबसे बड़ी समस्या दो पाली महाविद्यालय लगता है, एक पाली में लग सके ऐसा हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं। महाविद्यालय में कैमरे थे लेकिन चालू स्थिति में नहीं थे, हम लोगों ने देखा प्राचार्य महोदय और हमने और जन भागीदारी समिति ने निर्णय लिया, 16 नए कैमरे महाविद्यालय में लगा दिए गए हैं जो कि चालू हो चुके हैं। मुक्ताकाश मंच महाविद्यालय में है जिसका लगभग 7 लाख रुपए की निविदा उसकी भी जारी कर चुके हैं हम, जिसमें टीन शेड और उस मुक्ताकाश मंच को वापस पुनः पुरानी स्थिति में ला करके महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का रंगारंग कार्यक्रम वहाँ पर हम कर सकें। जल्दी हमारी ऐसी योजना है कि उद्यानिकी विभाग के द्वारा ब्यावरा महाविद्यालय में एक शानदार उद्यान है जिसे हम कंप्लीट करके एक बढ़िया गार्डन डेवलप करेंगे ताकि महाविद्यालय के छात्र छात्रा सुखद अनुभूति वहाँ महाविद्यालय में आने के बाद कर सके, ऐसा हमारा प्रयास है।